हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग। आज है हैप्पी संडे, 1 दिसंबर, और आज का जो ब्रेकफास्ट है उस पे है पूरी, आलू और हरे मटर की सब्जी और चावल की खीर। अभी हम लोग बोनफिश ग्रिल से आ गए हैं। आज है 1 दिसंबर, मेरा बर्थडे है आज, तो हम लोग डिनर पे गए थे। मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ होममेड फूड बर्थडे के लिए, तो ब्रेकफास्ट हस्बैंड ने बना दिया, उसका पिक्चर आपने देखा, और लंच तो घर पे ही हमने खाया, और डिनर के लिए बोनफिश ग्रिल पे गए हैं। और भी जो बंगाली है, बंगाली है, उनकी तरह मैं भी फिश पसंद करती हूँ, रसगुल्ला पसंद करती हूँ। तो मैं छोटा छोटा गिफ्ट्स लिया इस बार बर्थडे पे। इस बार थोड़ा ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं था, एक रीज़न था, इसलिए मैं फिर कभी कोई दूसरे ब्लॉग पे मैं शेयर करूंगी, पर हस्बैंड ने नहीं माना, उन्होंने लेके गए मुझे। एक मिनट, और ये ऐसा बैंगल्स मैंने डाला, बहुत शाइनी है, मेरी कान पे ऐसे है, कान के साथ पूरा मैचिंग हो गया। ये ना एमरल्ड कलर का है, कैमरे पे फिरोजी दिखा रहा है, जो तूते बोलते हैं बांग्ला पे, ऐसे फिरोजी दिखा रहा है, पर ये पूरा बॉटल ग्रीन कलर का है। नीचे का थ्रेड है बॉटल ग्रीन कलर का, और ऊपर का है एमरल्ड कलर का, और एमरल्ड कलर का ही ये नेल पेंट है। बैंगल्स ऐसे हैं, और ये एक जैकेट बार्क कलर का, जो पेड़ का जो स्किन होते हैं, बार्क बोलते हैं बांग्ला पे, छाल बोलते हैं गाछेर छाल। बूट्स डाला है, ऐसे बूट्स, आप देख के मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा। और बर्थडे के लिए मुझे विश जरूर करना 1 दिसंबर, तो ये पोस्ट करते करते 3rd-4th दिसंबर हो ही जाएगा। और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किया, उसका भी रीज़न था, जैसे मैंने बोला बाद में एक व्लॉग पे मैं सब कुछ बताऊंगी। और अभी मेरे गार्डन पे कुछ कुछ अच्छा अच्छा फूल आ गया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, छोटा सा व्लॉग है पर मैंने बहुत मन से बनाया है। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बैठी हूँ बोनफिश ग्रिल के बाहर, अभी अंदर चले जाएंगे, आज बहुत ही ठंडा है। ये स्टार्टर पे दिया, ये ऐसे फ्री देते हैं फूड ऑर्डर करने से पहले, फ्रेशली बेक्ड ब्रेड और पेस्टो और ऑलिव ऑयल। ये पेस्टो का जो हर्ब्स का जो फ्लेवर है मुझे बहुत पसंद आता है, ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है स्टार्टर पे। और ये लोग बॉटल करके पानी देता है, वो भी मुझे अच्छा लगा। हस्बैंड ने लिया फिश एंड चिप्स, कॉट फिश का विथ फ्रेंच फ्राइज एंड टाटा सॉस, और मैंने लिया अटलांटिक सैमन, ग्रिल सैमन विथ पैनिशियन सॉस, पोटैटो ऑ ग्रैटिन एंड कोल्सलॉ। हैंतन शोकची ब्राउनी विथ क्रैनबेरी सॉस, आई थिंक विथ वैनिला आइसक्रीम एंड कैजू। मेनू ते नाम ता देखे रखा उचित छिलो, या बड़ो एकटा सेंटेंस एर नाम होबे। 2018 का लंच स्प्रेड पूरा बंगाली खाना था, पूरा बंगाली खाना विथ पीठा। मेरे मायके पे है ये, मम्मी के घर पे लंच पे, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी आए थे और हस्बैंड तब यूएसए पे थे, तो उन्होंने केक और कुछ ऑर्डर कर दिया, फूड और फ्लावर्स। ये बेस्ट फ्रेंड लेके आई ये वाला केक, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने और भी बहुत सारा गिफ्ट दिया, तो लास्ट टाइम भी मैंने बहुत एंजॉय किया। और ये 2017 का बर्थडे लंच, ये हस्बैंड बनाए थे, बहुत सारा इटालियन और मोरक्कन डिश मिला के बनाए थे, वो भी बहुत अच्छा था। इस बार तो लंच पे उन्होंने बंगाली जो फिश है वो मुझे कुक करके दिया, सारा दिन मैं फ़िश खाती रही,
लंच पे डिनर पे मुझे फिश खाना बहुत पसंद है। और ये छोटा सा बर्थडे वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।